सिपाही के ऊपर दुष्कर्म की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिपाही ने शराब के नशे में 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की कोशिश की है। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर आवेदन देकर अपनी आपबीती सुनाई। आरोपी सिपाही का नाम धर्मेंद्र सरवरिया बताया जा रहा है, जो कि सिविल लाइन थाने में पदस्थ है। बताया जा रहा है कि आरोपी किराए का मकान लेने के बहाने घर गया था और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आवेदन के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने कहा कि महिला के द्वारा ये आवेदन दिया गया कि अभद्रता और अपशब्द का प्रयोग हुआ है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि आरक्षक के साथ अन्य लोग भी थे, जो कि शराब के नशे में थे और नशे में धुत आरक्षक ने सभी को भगा दिया था। सिविल लाइन में इस प्रकार का एक आवेदन प्राप्त हुआ है और आरक्षक को लाइन अटैच किया है और अन्य जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।